आपको पता चली क्या हुआ था, कितनी क्लासी बाइक होने वाली है और जो मैं चलाने वाला हूँ, और आपको बहुत अच्छे से रिव्यू दूंगा यार, कैसी है, कैसी राइड है। और किसी को यार प्रॉपर रिव्यू देखना तो वो प्रॉपर एक मोटर चैनल पे जाके देख लो, लेकिन मैं रियल एक्सपीरियंस आपको बताने वाला हूँ इस बाइक का। कौन सी है? पहुंच गए हैं भाई, और बड़ी मुश्किल से मिला यार, पता नहीं कहाँ का ले गया था, हमेशा गूगल का यही सीन रहता है। ये रहा सामने जिसका हम वीडियो बनाने वाले प्रॉपर, और ये हमें कुछ घंटों के लिए मिलेगी। मुझे लगा कि आपको यार प्रॉपर पब्लिक रिव्यू तो बना ही सकते हैं यार, आपको सारी चीज़ें बताना, क्योंकि लोग जो मोटर्स वाले होते हैं ना, बंद क्यों नहीं हुई गाड़ी, हो गई, वो एक्चुअल रिव्यू बताते नहीं हैं, हम बताएंगे। यहाँ पे खड़ी हैं बहुत सारी बाइक्स, और अभी बताऊंगा यार मुझे कौन सी बाइक मिलने वाली है और मैं कौन सी चलाने वाला हूँ, और आपको अच्छे से रिव्यू देने वाला हूँ। बाकी यार सही बताऊँ तो वाइब बहुत अच्छी है शोरूम की, और बहुत अच्छा मेंटेन कर रखा है, बिकॉज उस हिसाब से रेट भी तो ले रहे हैं ना। ये कुछ मोटरसाइकिल यू नो राइडर्स के लिए प्रॉपर गियर्स हैं, बैचेस हैं, जो ये बड़े कूल लगते हैं यार, और ये जैकेट इतनी अमेजिंग लगती है ना जब पहन के आप राइड करते हो। बाकी यार देखो हेलमेट तो बहुत ही सुंदर है यार, ये तो ये है इनकी क्लासिक क्लास ऑफ 23। इसका यार नाम पता नहीं क्या, इनकी बाइकों का नाम क्या होता है यार मुझे नहीं पता। बाकी जो हमारी आने वाली है वो तो मैं आपको अलग से दिखाऊंगा। बाकी है बड़ी सेक्सी सेक्सी बाइक, देखो ये कलर कितना प्यारा है, ये कलर वैसे ही यार बहुत प्यारा है, बुलेट की याद दिला रहा है, लेकिन यार कुछ अलग सा फील तो है यार इसमें, जो भी कहो। प्रॉपर जावा विंटेज, जावा 500 OHV 1929 में आई थी यार, वाह भाई वाह। मिलने वाली है यार, वो रिसेंटली लॉन्च हुई है, और उसको हम लोग बिल्कुल टेस्ट ड्राइव और प्रॉपर ड्राइव करने वाले हैं, टेस्ट ड्राइव तो नहीं कहूँगा, प्रॉपर ड्राइव होने वाली है, और अच्छे से ड्राइव होगी और आपको बहुत अच्छे से रिव्यू मिलेगा। पता है बहुत सारे लोग यार बुलेट से परेशान है, परेशान नहीं पसंद है, लेकिन थोड़ी कॉमन हो गई है, क्योंकि आजकल बजट सबके हाई हो गए हैं, तो कुछ नया ऑप्शन आपके पास मिलने वाला है, तो देखते हैं कैसा है। ये है 42 बॉबर, ये देख रहे हो 270 के आते हैं, ये इस हिसाब से रेट चेंज होते जा रहे हैं, ये 260, 50, 45 ऐसे रेट है, कलर के हिसाब से भी रेट अलग है, और अलॉय व्हील और स्पाइक वाले थोड़े से ना उसमें फ़र्क पड़ जाता है रेट में। बाकी ये बहुत सही लग रही है, 42 बॉबर है, और सबसे सेक्सी यही है भाई, फील अच्छा है, लेकिन स्कूटी बेस्ट है मजाक कर रहा है यार, लेकिन ये अच्छा है, बट सिंगल सीट है। मुझे बिल्कुल वो याद आ रही है जो बुलेट की, जो भी रॉयल एनफील्ड की स्टैंडर्ड आती है, बिल्कुल उसका याद है, पर ये वाइजर लगा रखा है तो इससे बड़ी सेक्सी सी लग रही है यार, नाइस लुकिंग बाइक। तो भाई जो हमें बाइक मिलने वाली है, नाम है क्या, नाम कॉपर कुछ नाम है, अभी आगे बताऊंगा, कुछ न्यू लॉन्च हुआ है बिल्कुल, और तो वो रेडी होने गई है, तो रेडी होगी बिल्कुल अच्छे से, तभी तो रिव्यू अच्छे से बनेगा। हाँ दुल्हन ही है, तो दुल्हन की तरह रेडी होने गई है, तो उस हिसाब से ही मजा आएगा। और ये आउटफिट जो पहनी है, तो इन्होंने ही अप्रूव करी थी यार मेरी आउटफिट की, ये पहन के आना उसमें ज्यादा बेटर बाइक दिखेगी मे बी, तो बाकी बहुत अच्छे शॉट्स आने वाले हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड, और आई एम 100% श्योर कि यार आप भी एक्साइटेड होंगे, बिकॉज न्यू बाइक आई है बुलेट के लिए, मतलब रॉयल एनफील्ड वालों के लिए। बताया था स्पेसिफिकेशन क्या है, जनरली बताया था कि 333 के आसपास का क्या कहते हैं इंजन है, इंजन की कैपेसिटी है, और इतनी पार बहुत इनफ होती है टू व्हीलर के लिए, लोग 350 स्टैंडर्ड ज़्यादा लेते हैं मैंने देखा है, अगर आप रॉयल एनफील्ड की बात करते हो तो इसमें भी ये पार बहुत अमेजिंग होती है। अभी चलाएंगे तो ज़्यादा आइडिया होगा। बाकी यार मैं बस ये बताऊंगा कि लोग जावा पे अभी कम जाते हैं, रीज़न बिहाइंड मे बी दोबारा से ये ब्रांड आया, क्योंकि किसी को नहीं पता है तो मैं आपको क्लियर कर दूं, ये बहुत पुराना ब्रांड है, 1929 का ब्रांड है यार देखा जाए तो, लेकिन अभी ट्रस्ट इतना बिल्ट नहीं हुआ है, जिसका ट्रस्ट बिल्ट है वो अभी भी जावा ही ले रहा है, वो कम लोग है। लेकिन इससे बाहर आते ही समझ में आ रहा है कि भाई कितनी गर्मी है, वैसे शोरूम देखो बहुत प्यारा सा बना रखा है यार, मतलब फील आ रहा है कि हाँ एक महंगी बाइक लेने आए हो आप। ये हमारी बाइक रेडी, ये भैया हमारे बाइक पूरी रेडी कर रहे हैं, दुल्हन की तरफ सजा रहे हैं पॉलिशिंग करके, ताकि हमारे शॉट बहुत अच्छे आए। आपको थोड़ी देर में बताता हूँ कितना वैल्यू है इस कार की, मतलब प्राइस क्या है। बाकी शीशा गंदा है पर लक बहुत प्यारी थी। तो पीछे ऑफिस दिख रहा है, तो जस्ट वहाँ से होके आ रहा हूँ मैं, तो उन्होंने काफ़ी सारे कंसेंट फॉर्म भरवाए हैं, क्यों भरवाए हैं मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने बोला एक इन्फ्लुएंसर और भी आए थे जिन्हें हमने बाइक दी, कंसेंट फॉर्म नहीं भरवाया था, कुछ नहीं करा था, वो बाइक ले गए और बाइक मिली नहीं आज तक मेरठ में जाके उन्होंने कटवा दी। जैसे कहते हैं ना, हर आदमी गंदा नहीं होता यार, हर इन्फ्लुएंसर भी बुरा नहीं होता, पता नहीं कौन कर रहा है ऐसा है।
ऐसी तैसी करवा रहा है हमारी। इसलिए हमें मिल गई है, लेकिन हम लेके जा रहे हैं इसे राइड पे। ये देखो कितनी वाइड है वैसे, तो ये लक्ष्य अभी लेके जा रहे हैं। पहले मैं जाऊंगा गाड़ी पे, वहां पे करेंगे आप अच्छे से इसका शूट। ऑल सेट विद गिम्बल भाई, ये भाई आया हमारे शूट करने, ये डॉगी भी आया हमारे साथ आज। तो अभी हम लोग बाइक का शूट करने वाले, यहाँ पे बाइक लगाएंगे। बट देखो लोकेशन कैसी है, लेकिन टैलेंट है यार, हमसे तो होता नहीं कुछ भी। इट्स टाइम फॉर द शूट। और मैंने ग्लव्स पहन लिए यार, आज मैंने सोचा ग्लव्स पहन के करें अच्छा लगेगा। बाकी देखते हैं। 3, 2, 1, go. निकल गई हमारी लाइट। अब इस लाइट को क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन इससे फोकस पूरा जावा पे आ रहा है। हम लोग आए हुए हैं कौशाम्बी अभी शूट करने, तो साथ साथ में कॉफ़ी पी रहे हैं क्योंकि हालत बहुत बुरी हो गई है, भूख लगी। तब से 6 घंटे से 5 घंटे से शूट कर रहे हैं, तब से हमारा कोई कुछ खाया नहीं था, तो अब खा ले। पसंद आ गई है, नहीं आई करा कह रहा हैंडल इतना दूर है, मैं कहाँ से करूँ। उसके लिए हैंडल देखो कितना दूर है। चलो जी ये लो, ठीक है, नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा, ये लो। अच्छा रुको, एक बार रिव्यू ले लेते हैं। लक्ष्य कैसी लगी बाइक सबसे ज्यादा, जेन्युइन बताओ, जेन्युइन। अब शूट पे गए थे, अभी रुको रिव्यू लेने दो। हाँ जी जेन्युइन बताऊं, जो प्राइस है ना, प्राइस आपसे मजा नहीं है, आवाज बहुत अच्छी है, ठीक है। एक तो हॉर्न कितना घटिया दे रखा है, हॉर्न बहुत घटिया है। वो स्कूटी का हॉर्न अच्छा होता है, स्कूटी का तेज है हमारा सच्ची में। दिखाओ मैं एक बार, देखो पापा एक बार हॉर्न सुनो यार, गाड़ी की आवाज से हॉर्न बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। पर एक बार बताऊं ऑनेस्ट, जितनी बार मैं लेके निकला हूं ना, उतनी बार लोगों ने पलट के देखा है, भाई क्या जा रहा है ये। हां ये बुलेट का तो अब कॉमन हो गई है। और एक बार भी आपने देखा है गाड़ी में होता है सायरन बज जाता है, कौन 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 कौन। हां जितनी बार रेडियो दिया सारी गाड़ियां बज रही थी। हां दिन में अरे भाई सही है, चलो मजा आ रहा है। हां जी किसी किसी गाड़ी में होता है, कैसे होता है, हां बताओ। डाउट था ना, कोई नॉक करता है, राउंड कराना है, चलो देखता हूं, चला के करता हूं। देखो ये कितना आएगा, देखो रेसर को ले तेरे तो भाई अब कर लेते हैं इसकी रिव्यू की बात। जितनी चलाई है, चलाने में अच्छी है, पिकअप अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं बंद होती है। जो नया नवेला है, जो थोड़ा बहुत भी चलाता है, उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत कर सकती है स्टार्टिंग में। दूसरी चीज़, एवरेज बहुत कम है यार, 20-22 के करीबन एवरेज देगा। कंपनी 30 का क्लेम करती है, तो 20-22 के आसपास तो ज़्यादा आने नहीं वाला। तीसरी चीज़, अभी ही मैंने जस्ट आप सोच लो 100 किलोमीटर के आसपास चलाई होगी दोनों ने, लेकिन अभी से इसमें ना आवाज़ आने लग गई है थोड़ी, चिन 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 की। अब पता नहीं किस चीज़ की आवाज़ आ रही है, आई डोंट नो, मुझे भी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने रुक रुक के बहुत बार देख लिया। बाकी बाइक अच्छी है, टशन बहुत अच्छा है, जा रहे हैं तो लोग देख रहे हैं कि आवाज़ बड़ी तगड़ी है, लोग पूछ रहे हैं कौन सी है, कितने के लिए, क्योंकि रॉयल एनफील्ड को अब कॉमन हो गया, जावा थोड़ा सा नया है, लेकिन ड्यूरेबिलिटी में मुझे ऐसा लगता है रॉयल एनफील्ड ज़्यादा होगी। आ गए हैं गाड़ी वापस देने, और बहुत ही अच्छी राइड हुई, मज़ा आया, महक आई है सपोर्ट करने पूरा हमेशा की तरह। और डन भाई, ये जाती हुई गाड़ी हमारी, मज़ा आया। और हम लोग बाइक लेने वाले हैं, नहीं नहीं मज़ा नहीं आता ना स्कूटी में।